जिंदा सा कोम रहंदी। पेश आहे ही आर्टिकल दादी पोपटी हीरा नंदाणीअ जी आशा चांद जे आवाज़ में। जिंदा सा कोम रहंदी। मुल्क जो विरहाङो थियो ऐं सिंधियत जी हलचल शुरू थी, पर उन वक़्तु सिंधी जातीअ में हिकिड़ा उहे हुआ जे मजनू हुआ, जंहिं करे संदनि दिलि जी जज़्बात उथी जागी हुई। उन जज़्बात खे तड़फायो ऐं फथकायो पिए। ॿिया उहे हुआ जिन जे दिलि जी जज़्बात जो हिकु ख़ासि अंग ॼण ओचितो ई मरी वियो, या शायदि सियासत वस थी हिननि ॼाणी वाणी पंहिंजे जज़्बात जो खून करे छॾियो। पहिरियां पंहिंजे दिलि जे जज़्बात खे नमूने नमूने जा रूप ॾियणु लॻा। उन जज़्बात जो नालो छा हो? दिलि जे नंढड़े या वॾे अहसास जो को रूप या आकार न थींदो आहे। अहसास जो लाॻापो रूह सां आहे, ऐं रूह जे कंहिं रूप या आकार खे नालो ई कीन्हे। पोइ बि दुनिया में रहंदड़ इंसान पंहिंजे दिलि जे अहसास खे कोन को नालो ॾींदा ई आहिनि। जेतोणीकि नाले ॾियण जे बावजूद उन अहसास जी पूरी ऐं सही परिभाषा ॾेई न सघंदा आहिनि। इन करे इन्हनि सिंधियुनि सिंधी हुअण जे अहसास खे सिंधियत जो नालो ॾेई पुकारियो। जेतोणीकि सिंधियत जी वाक़फ़ियत हू लफ़्ज़नि द्वारा ॾेई न पिए सघिया। होॾां जिन जे दिलि में जज़्बात जी तरंग उथी ई न पिए, या जिन उथण जी ई न थिए ॾिनी, से वाइड़ा थी पहिरियनि खां पुछणु लॻा त इहा सिंधियत कहिड़ी भला आहे। उन्हनि ॿियनि मां के जे तड़ाखड़ी समुझ धाड़ींदड़ हुआ ऐं आहिनि, से त ईअं सम्झणु लॻा हुआ त सिंधियत सिंधियत पुकारींदड़ देशभक्तीअ ख़िलाफ़ को अज़ीम गुनाह था कनि। हिननि खे इहा ॻाल्हि सम्झ में ई न पिए आई त सिंधियत जे जज़्बात भारतीय हुअण जे जज़्बात जे बरख़िलाफ़ नाहे, बल्कि भारतीय हुअण जी भावना जो ई हिकु रूप आहे। छाकाणि त हिकु गुजराती हिंदुस्तानी आहे, तॾहिं त हू गुजराती थींदो। सिंधियत जी ॿेड़ी हाकारींदड़ सुखानियुनि खां वठी ॿेड़ीअ में चढ़ंदड़ फर्दनि समेत सभिनी सिंधियुनि सिंधियत रूपी गुलदस्ते जे निराले निराले गुल खे ई अहमियत ॾिनी। किन समझो त सिंधियत जो सचो रूप सिंधी चौकी आहे। इन करे हू चौकियुनि ॾियण या कराइण में मशगूल थी विया। किन समझो त सिंधियत जी माना सिंधीअ में साहित्य सर्जन करण या साहित्य छपाइण आहे। इन करे उहे आखाणियूं, मज़मून, नाटक ऐं नॉवल लिखण लॻा, ऐं किन वरी इश्तिहारनि लाइ पैसा ॾेई किताब छपाइण में मदद कई। किन समझो त सिंधियत माना धर्मशालाऊं टिकाणा ठाराइण। इन करे हू जिते वसी वेठा उते चंदा चीरा कठा करे धर्मशालाऊं जोड़ाइण लॻा। किन वरी समझो त सिंधियत जी माना सिंधी ॿारनि जी तालीम जो बंदोबस्तु करणु। इन करे उहे स्कूल ऐं कॉलेज बर्पा करण वारे कम खे लॻी विया। अहिड़ीअ तरह सिंधी हुअण जे अहसास खे हर अहसासी सिंधीअ पंहिंजे वित आहिर निभाइण जी कोशिश कई। जेसिताईं इंसान तंदुरुस्त हूंदो आहे, तेसिताईं हुनखे मालूम न हूंदो आहे त हू कहिड़ी नेमत माणे रहियो आहे। हिकु अॻे इंसान खे ई मालूम आहे त सगाई कहिड़ी अमूल्य चीज़ आहे। जेसिताईं सिंध में हुआसीं, सिंधी हुअण जो अहसास असांजे दिलियुनि में समुंड जे तरे वारी आग यानी सबमराइन फायर जे रूप में समायो पियो हो। जीअं ई सिंध छॾे असीं ग़ैर सिंधियुनि जे विच में अची वसियासीं, तीअं उहो अहसास भड़को खाई जाॻी उथियो। कॾहिं कॾहिं असीं ईअं सम्झंदा आहियूं त शायदि उहा जज़्बात मरी वेंदी ऐं धीरे धीरे इहो अहसास गुम थी वेंदो, पर क़ौमियत जो अहसास रख हेठां दॿियल गरम आग जीअं थिए थो। थोरी फूक ॾियण सां रख जो तह उॾामी वञे थो ऐं असांखे गरमाइश महसूसु थिए थी। मुसाफ़िरी कंदे कॾहिं को चांहि विकिणंदड़ असांखे सिंधी ॻाल्हाईंदो ॿुधंदो आहे त ॾाढे कुर्ब सां अची चवंदो आहे, साईं चांहि पीअंदा? ऐं पोइ हिक जे बदिरां खंड जा ॿ चमचा विझी ॾींदो आहे। को मज़ूर अॻिते वधी चवंदो आहे, साईं सीट खपेव? वठी थो ॾियांव।
अची वञो। ऐं को टीटी गजंदो आहे त भर में वेही चवणु लॻंदो आहे, मूंखे बि कलाम यादि आहिनि, ॿुधायांव साईं। बालनि भोलनि सिंधी फर्दनि जे चेहरनि ते सिंधी लाॾो ॿुधण वक़्तु जेके भावनि जा चिट लहंदा चढ़ंदा आहिनि, से ॾिसी उन्हनि सां पंहिंजी दिलि जी मिठी माइटी को नातो संग महसूसु कबो आहे। सिंधियत हिकु जज़्बात आहे, हिकु अहसासु आहे, पर उहा हिकु महवर आहे जंहिंजे चौगिर्द सिंधी जातीअ जो वजूद धरती बणिजी फेरे थो। छाकाणि त उहा महवर ॾिसण में नथी अचे, बल्कि महसूसु करण में ई थी अचे। तंहिं करे ई साहित्यकार ऐं कलाकार उन महवर जे चौधारी जनूनी गतीअ सां फिरंदा रहनि था, ऐं तंहिं करे ई चालाक सियासतदान वसूड़नि खे गुमराह करण में कामयाबु वञनि था। इन करे सिंधियत जे हलचल जे ख़ैर ख़्वाब ऐं दुश्मननि जो टकर हलंदो ई रहे थो। साहित्य इंसानी शान जो रखवालो आहे। साहित्यकार इंसान जे तन ऐं मन जे अज़मत जी रखवाली करण जा शाइक़ आहिनि। पंहिंजी दिलि में क़ौमियत जो जज़्बात धारींदड़ ई शानदार इंसान आहिनि। ईअं महसूसु करे साहित्यकार ऐं कलाकार सिंधियत जी हलचल हलाइनि था। इन करे इहो स्वाभाविक ई आहे त उन हलचल जा दुश्मन साहित्यकार कलाकार न आहिनि, बल्कि सियासतदान ऐं मौके परस्ती आहिनि। साहित्यकार समझे थो त जेको सिंधी सिंधी हुअण ते नाज़ नथो करे सो सुठो इंसान न आहे। हुन जो ईअं समुझणु बिल्कुलु स्वाभाविक आहे, छाकाणि त कुदरती तरह हू ऐं हुन जा ख़्याल इंसानी दिलि जे उॾाम, इंसानी दिलि जी सफ़ाई, इंसानी जज़्बात जे गुलाबी रंग ताईं मायल थिए थी। जिते जिते हू ॾिसे थो त हुन जे ख़्याल या भावना जी तर्जुमानी नथी थिए, उते हुन जो रूह तड़फी उथे थो, फथके थो, रुए थो, चीखे थो ऐं ज़ख़्मजिब थो। सिंधियत जे रूप, रस, आकार ऐं सुगंध महसूसु करणी हुजेव त हिकु तड़फंदड़ साहित्यकार खे ॾिसो। सृष्टिअ में हर पैदा थियल जीव खे सुभाणे ते जीवित रहण जी चिंता थिए थी। हर पीउ पंहिंजे बचे जे आईंदे बाबति सोचे थो। जेकॾहिं खेसि पंहिंजे बचे जो आईंदे ख़ातिर ख़्वाह नज़र नथो अचे त हू निहायत परेशान रहे थो। साॻीअ तरह साहित्यकार खे पंहिंजे ॿोलीअ जे आईंदे जो ख़्यालु रहे थो, ख़ासि करे जॾहिं हिन जे ॿोलीअ जी हस्तीअ खे ख़तरो आहे, तॾहिं त हू निहायत घणो जज़्बाती थी वञे थो। भारत में अची असीं कंहिं हिकु प्रदेश में थोराई वारी क़ौम बणिजी वसी वियल हुजूं हा त पोइ बि असांखे को भउ भोलो न हो, पर छाकाणि त असीं हर प्रदेश में न ॻणण जहिड़ी थोराई वारी क़ौम आहियूं, इन करे असांजे ॿोलीअ खे ऐं तंहिं करे असांजी हस्तीअ खे वधीक ख़तरो आहे। असांखे इहो ख़तरो आहे त असांजे अहसास जे जुदा जुदा रूपनि खे पाण पसाइण जो वझ न मिलंदो, असांजे हुगाव खे पाण फैलाइण जो हक़ न मिलंदो, असांजे अहसास जे आकार खे पंहिंजे पूरे कद वधाइण जो ज़रियो न मिलंदो। इन्हनि ख़तरनि ॾांहुं स्वार्थी इंसान बेपरवाह रहे थो, छाकाणि त हिन खे सिर्फ़ु पंहिंजे स्वार्थ सां ई अर्थ आहे। इन्हनि ख़तरनि ॾांहुं इन्हनि वापारियुनि जी नज़र नथी वञे, जंहिंजी नज़र फ़क़ति पैसे मेरण ॾांहुं वञे थी। इन्हनि ख़तरनि ॾांहुं सियासतदाननि जी नज़र नथी वञे, छाकाणि त उन्हनि जो सिर्फ़ु पंहिंजे कुर्सी ऐं उहिदे सां ई मतिलबु आहे। पर इन्हनि ख़तरनि ॾांहुं लेखकनि, शाइरनि, कलाकारनि जो ध्यानु ज़रूरु वञे थो, छाकाणि त उहे ई अहिड़ा इंसान आहिनि जिन जे दिलनि में जज़्बात न सिर्फ़ु छोलियूं मारे थी, पर उन जज़्बात में वीर अचे थी। ऐं जॾहिं जॾहिं उन्हनि जज़्बाती इंसाननि जे अहसासी वीर चढ़े थी, तॾहिं आखाणियूं लिखजनि थियूं, शेर रचजनि था, ऐं उन्हनि जे चढ़ंदड़ पाणीअ में कई दिलियूं आलियूं थी वञनि थियूं। इन करे सिंधियत जी हलचल ऐं सिंधी साहित्य हिक ॿिए जो अक्स बणिजी गॾोगॾु हलंदा रहिया आहिनि। जॾहिं जॾहिं हलचल में वीर उथी आहे, तॾहिं तॾहिं साहित्य जी अछ ई अछ नज़र आई आहे, ऐं जॾहिं उहा वीर लथी आहे, तॾहिं किताब लिखणु ऐं छपजणु बंदि थी विया आहिनि। अॼु हलचल में वरी हिकु नई लहर उथी आहे। लहर ऐं वीर उथण जो हिकु वॾो सबबु आहे जज़्बात या अहसास खे धोॾो अचणु। क़ुदिरती कानून आहे त
The action and reaction is equal and opposite. सिंधियत जे मजनून अॻियां जीअं ई रंडकूं वधीक थियूं पवनि तीअं ई उन्हनि मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियण जो मादो ज़ोर पकिड़े थो। शुरूअ खां हाणे ताईं सिंधियत जी हलचल ऐं सिंधी साहित्य जी इहा ई कहाणी आहे। कहाणीअ जी शुरूआति में जॾहिं उन अहसास खे ख़तरो नज़र आयो, धार धार साहित्य निकिरणु लॻो। विरहाङे बैदि शुरूआति में प्रोफेसर मंगाराम मलकाणी चयो हो त विरहाङे बैदि ॾहनि सालनि में जेतिरो साहित्य निकितो आहे ओतिरो विरहाङे खां अॻु 50 सालनि में बि कोन निकितो हो। सिंधी हुअण जे अहसास सिंधी साहित्य खे जनम ॾिनो ऐं साहित्य सुम्हियल अहसास खे जागायो। हाणे बि ईअं ई थींदो, हलचल में हिकु नओं मोड़ आयो आहे, छाकाणि त हिकु बार वरी असांजे साम्हूं ख़तरे जी घंटी वॼी रही आहे। सिंधी लेखक सिर्फ़ु लेखक बणिजी रही नथो सघे। किन चंद लेखकनि जो ख़्यालु आहे त असीं फ्रांसी लेखकनि जा चांहि जे प्याले ऐं सिगरेट जे धुएं खे साम्हूं ॾिसी महान साहित्यकार हुअण जो दम भरे दिमाग़ में ख़्याल भरे घुमंदा रहूं ऐं ॿिया जिन खे हू प्रचारक ऐं कमु कंदड़ था सॾीं, हिननि जे गौड़नि ऐं दकी ख़्यालनि जो बार उठनि घोड़नि जा पंहिंजनि पुठियुनि ते घुमंदा फिरनि ऐं हिननि खे बहसनि करण ऐं सलाहूं ॾियण जूं सहूलियतूं ॾींदा रहनि। इहो सच आहे त साहित्यकार मखण जीअं ख़ोरश बख़्शींदड़ आहे ऐं संदसि तबियत तमामु नाज़ुक आहे, पर सिंधी लेखक जूं हालतूं निरालियूं आहिनि। सिंधी लेखक ॾही बि पाण आहे त मंधियरो बि पाण आहे। मखण हू बणिजे थो या न, उन जी खेसि तमना बि रखणी कोन्हे। जयपुर जे सुंदर अगनाणीअ खे ई ॾिसो, हू हिकु सिंधी लेखक आहे ऐं एडिटर बि आहे त अख़बार विकणंदड़ बि आहे। हू स्टेज संभालींदड़, नाटक लिखंदड़ ऐं एक्टर बि आहे। इहो सभु हूंदे बि हू कॾहिं कार्टूनिस्ट बणिजी वञे थो त कॾहिं पेंट बि करे वठे थो। साॻीअ तरह श्री कीरत बाबाणी आहे, हलचल लाइ कहिड़ा न कम करणा पवनि था उनखे। टिकली लॻाइण ऐं कार्बन कापी कढण खां वठी वेंदे वज़ीर ऐं गवर्नर सां मुलाक़ात वठे खेसि मेमोरेंडम ॾियण ताईं, मुंहिंजी सम्झ मूजिबि संसार जे कहिड़े बि महान साहित्यकार खां सिंधीअ जे अहिड़े लेखक जो पद ऊचो आहे। छाकाणि त एमरजेंसीअ जे हालत में हिकु सिपाही जो फ़र्ज़ु आहे त हू सभु फ्रंट्स संभाले। अहिड़ा लेखक जे मजनू बणिजी पंहिंजी ॿोलीअ जी हर फ्रंट ते शेवा कनि था, अहिड़े निस्वार्थ शेवा जे करे असीं पंहिंजी मंज़िल ते पहुची ई वेंदासीं। तेसि ताईं असांखे सिंधी राग कोयारी ऐं हुसैनी ॻाइणो या ॿुधणो आहे, सिंधी नाच छेॼ ऐं झिमिर नचणो ऐं ॾिसणो आहे, सिंधी साज़ यकतारो या मटको वॼाइणो ऐं ॿुधणो आहे, सिंधी साहित्य कहाणी या मज़मून लिखणो या पढ़णो आहे, सिंधी ख़सूसियत महिमानवाज़ी ऐं सभ सां ठहिकण वारो गुण संभालणो ऐं ॾेखारणो आहे, सिंधी ॿोलीअ खे प्यारु करणो आहे ऐं सिंधी भाव खे पंहिंजो समुझणो आहे। सिंधियत जी जज़्बात असांखे सचो भारतवासी थी बणाए, सचो इंसान बणजण थी सेखारे। सिंधी हुअण जे अहसास खे ख़तमु करण लाइ कई साज़िशूं सटियूं वञनि थियूं, पर अहसासु धाड़ींदड़ बि सरफरोशी जी तमन्ना रखी अॻिते वधंदा रहनि था। हीउ लेख लिखियो दादी पोपटी हीरानंदाणीअ पंहिंजे किताब ज़िंदह सां कोम रहंदी ऐं इहो किताबु छपियो वियो हो 1975 में। हीअ आर्टिकल पढ़ी आशा चांद।